बमीठा से हमारे संवाददाता अशोक नामदेव की रिपोर्ट। ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल की भिड़ंत, एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल, एक को आई मामूली चोट। बमीठा NH 39 पर ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल की भिड़ंत से मोटरसाइकिल पर सवार दो लोगों में से एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि NH 39 पर एक बिना नंबर का ट्रैक्टर जो कि गलत साइड में लगा हुआ था, जिसने अचानक तेज स्पीड से ट्रैक्टर को मोड़ दिया और उसी वक्त एक मोटरसाइकिल आ रही थी जो कि ललार से छतरपुर जा रही थी। ट्रैक्टर में जा घुसी, तेज रफ्तार होने के कारण मोटरसाइकिल बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई और उसमें सवार दो लोगों में से एक सत्येंद्र अवस्थी गंभीर रूप से घायल हो गए, वहीं सुरेंद्र सिंह को मामूली चोट आई, जिसको 108 की मदद से बमीठा स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां से घायल को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। बमीठा से हमारे संवाददाता अशोक नामदेव की रिपोर्ट। विदिशा से हमारे संवाददाता राम बाबू की रिपोर्ट। पंचायत चुनाव में नामांकन फॉर्म भरने के आखिरी एक दिन में वार्ड नंबर 4 से जिला पंचायत सदस्य के रूप में ग्यारसपुर जनपद अध्यक्ष ममता कटारे और राकेश कटारे ने भरा नामांकन। गुलाबगंज से ही बड़ी तादाद में वाहनों के काफिले के साथ पहुंचे फॉर्म भरने के लिए विधायक शशांक भार्गव भी रहे साथ। धारा 144 लागू होने के कारण बैरिकेड्स कर पुलिस ने जुलूस को रोका। राकेश कटारे ने कहा, 35 सालों में पंचायत के जरिए अपनी क्षेत्र की कर रहे हैं सेवा। ग्यारसपुर जनपद अध्यक्ष के रूप में काम कर चुकी ममता कटारे और पूर्व सरपंच राकेश कटारे के द्वारा वार्ड नंबर 4 जिला पंचायत सदस्य के रूप में नाम निर्देशन पत्र जमा किया गया। इसके पूर्व गुलाबगंज से ही चार पहिया वाहन और दो पहिया वाहनों से काफिले के साथ पहुंचे विदिशा मुख्य मार्गों से होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे और उनके साथ विदिशा के विधायक शशांक भार्गव भी थे साथ। भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस ने बैरिकेड्स का जुलूस को कलेक्ट्रेट के बाहर रोक दिया। प्रत्याशी और उनके साथ प्रस्तावक और समर्थक को ही अंदर जाने की अनुमति दी गई। राकेश कटारे ने कहा है कि वो करीब 35 सालों से पंचायत के जरिए क्षेत्र की जनता के लिए काम कर रहे हैं, अब जिला पंचायत में आकर जनता का कार्य फिर करेंगे। विदिशा से हमारे संवाददाता राम बाबू की रिपोर्ट।